नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आप सभी को जय भीम, जय बहुजन समाज। और आज मैं बहुजन समाज पार्टी का लेटेस्ट खबर लेकर आया हूं। और कुछ लोगों को दिमाग में यह भ्रम है कि बहुजन समाज बात करने से केवल बहुजन समाज की बात होती है, बहुजन समाज पार्टी की नहीं। तो मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहन मायावती जी, जो आगरा में ऐसा डिसीजन लिया कि 7 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया, ये वे नेता थे जो पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी, क्योंकि ये पार्टी विरोधी कार्य करते थे। अब बहन मायावती जो है जगह जगह घूम रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को टटोल रही हैं, दलित मोहल्ले में भी जाती हैं, बहुजन समाज के बीच में जाती हैं और हर जगह से खबर प्राप्त कर रही हैं। बहुत सारे नेता बसपा से सटे हुए थे और बसपा का जर खोद रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है, एससी एसटी समाज जो कि पूरे देश में है और हर राजनैतिक दल में एससी एसटी नेता भी हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल में बहुजन समाज के नेता है, क्योंकि बहुजन समाज का मतलब है ओबीसी, एससी एसटी और अल्पसंख्यक। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव जी भी ओबीसी में ही आते हैं, लालू यादव जी भी ओबीसी में ही आते हैं, ये भूपेंद्र सिंह बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं ओबीसी में ही आते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप बीएसपी के कार्यकर्ता होते हुए बहुजन समाज के नाम पर आप अखिलेश यादव में सट जाएं, भूपेंद्र सिंह बघेल में सट जाएं और बीएसपी का जर खोदने लग जाएं, क्योंकि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम का सपना था और उन्होंने 85 का फॉर्मूला दिया था कि हम 85% और बहुजन समाज से ही बनी थी बहुजन समाज पार्टी। अब मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती जी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि बसपा से जुड़कर और किसी अन्य दलों से नजदीकियां बढ़ाना ऐसे कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ेगा। हमें ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो बसपा में कोई पद लिए हुए हैं और किसी और पार्टी में जाकर उठते बैठते हैं, उनसे नजदीकियां होती है और समय समय पे बहन मायावती जी के फैसले में कमियां निकालते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पे कायम है, यह सर्वजन को भी देख रही है और बहुजन समाज को भी देख रही है। खास करके एससी एसटी के मामले में वर्तमान सरकार ने जो भी कार्रवाई की, जो नुकसान किया, उसको बीएसपी ही भर सकती है। बीएसपी जब सरकार में आएगी तो इन तमाम चीजों को खत्म करेगी। मैं आपको बताऊं, संविधान के तहत सरकार कई जगह पर नहीं चल रही है। मैं आपको बताऊं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है हर जगह लागू नहीं हो रहा है। बहन मायावती जी समय समय पर केंद्र सरकार को धमकाती हैं, हंगामा करती हैं, अपना जो है पक्ष रखती हैं कि वर्तमान सरकार एससी एसटी के मामले में साफ सुथरी नहीं है, उसकी सोच कहीं न कहीं से गलत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मैं एससी एसटी मोहल्ले में घूमता हूं, खास करके छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूं ताकि वो सच बताएं, क्योंकि जो बड़े होते हैं हो सकता है किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि ये बीएसपी का है अथवा बीजेपी का है। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूं, महिलाओं से पूछता हूं और इस तरह से पता करता हूं। मैंने ये पाया है कि जो बसपा कार्य करता है, जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं, वो अपनी अधिकार की बात करते हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। परंतु अन्य दल में भी एससी एसटी नेता हैं, एससी एसटी समाज पूरा हिंदुस्तान का यानी पूरा भारत का जो है केवल बीएसपी में तो नहीं है, हर राजनीतिक दल में है। जैसे कि आपके उदित राज जी हुए, रामदास अठावले हुए, रामविलास पासवान जी हुए, अलग अलग दलों में एससी एसटी नेता है। परंतु उनके जो समर्थक हैं वो अधिकार की बात नहीं बल्कि खैरात की बात करते हैं। जब उनके सामने कोई मुद्दा उठाओ तो ये कहते हैं कि बीजेपी भी तो हमें दे रही है, हम वंचित हैं, हम दलित हैं। अगर सर्वजन समाज, सामान्य वर्ग आपको वंचित कहे तो ठीक लगता है, आप अपने आप को वंचित क्यों करते हैं? कहीं न कहीं से आपका जमीर दबा हुआ है, आपका आत्मा दबा हुआ है, आपको अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए लड़ना होगा। और इस तरह की भावना केवल हमने बहुजन समाज पार्टी में देखा। अन्य दल में जो एससी एसटी नेता है वो खैरातों के बल पर वोट बटोरते हैं और जो एससी एसटी समाज है
उसको यह समझाते रहते हैं कि आपको गैस मिल गया, आपको शौचालय मिल गया, आपको राशन मिलता है, यानी जो सरकारी खैरात है उसके दम पर आगे बढ़ते हैं। यानी बहुजनों को जो अधिकार मिला था, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिलवाया था और ये कहा था कि संविधान पालन होना चाहिए, संविधान में जितनी भी दिया हुआ है अधिकार वो सबको मिलना चाहिए। जैसे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मैं स्कूलों में भी घूमता हूँ, लेकिन ये अधिकार खैरात के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में चाहिए इनको। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को लेकर चले हैं, पूरे देश हमको घूमना है, खास करके SC ST मोहल्ले में जाना है, वहाँ पर बाबा साहेब के जो संदेश हैं वो फैलाना है। आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमसे बने रहिए और मैं उस समाज की लेटेस्ट खबर आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।